हेलो टू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी बजे हैं सुबह के 8:30 और मैंने फटाफट से अपना कुछ मैं यहाँ बस बैठ के अपने कुछ काम करके मैं बैठी थी और मैंने बोला चलो फिर मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट करती हूँ। और आज है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, तो आज मैं करने वाली हूँ प्लांटिंग। वैसे प्लांट्स तो बहुत सारे लगाए हैं, लेकिन हाँ आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के दिन भी एक मैं प्लांट लगाऊंगी। तो बस मैं जा रही हूँ, मैंने पानी वगैरह कुछ भी नहीं पिया है, बस बैठी थी फ़ोन लेकर ही, मैसेज वगैरह चेक कर रही थी, एक दो काम था मैंने वो सारे किए। अब मैं जा रही हूँ पानी पीने के बाद बस पानी पीऊँगी। चाय पीने की बहुत इच्छा है क्योंकि आज मैं मतलब क्या बोलूँ, बहुत रिलैक्स होकर बहुत अच्छे से मैं सो के उठी, एकदम फ्रेश लग रहा है मुझे। और मैं नाश्ते में बनाने वाली हूँ सिर्फ पोहा, लेकिन पोहे भी कब बनेंगे, मैं सबसे पहले जाऊँगी नहाऊँगी, उसके बाद मैं प्लांटिंग करूँगी, प्लांट लगाऊँगी और उसके बाद की लिप बाम वगैरह मैंने लगा लिया है, मैंने फ्रेश हो गई थी, फेस वगैरह वॉश कर लिया है मैंने, सब कर लिया है। और ये रहा पानी। और बोबो अभी सो ही रहा है, बोबो को छोड़ के घर में सब लोग उठ चुके हैं, सबकी मॉर्निंग हो गई है। तो बस मैं बनाने वाली हूँ आज फटाफट से, मैं फ्रूट्स कुछ भी नहीं है, पपाया नहीं मिल रहा है, कुछ भी ऐसा कुछ मॉर्निंग में खाने वाला फ्रूट्स मुझे नहीं मिल रहा है, मैं पोहे ही खाने वाली हूँ और कुछ नहीं। तो चलिए मैं फटाफट से नहा लेती हूँ। सबसे पहले मैं चलती हूँ बालकनी में, कुछ देर थोड़ा बैठती हूँ। बालकनी मैंने अच्छे से क्लीन कराया है, बहुत दिन से बालकनी क्लीन नहीं थी, तो आज हमने बालकनी मैंने बहुत अच्छे से क्लीन कराया है। तो मैंने सुबह उठ के मैंने सबसे पहले यही काम किया, मैंने बोला मेड को कि मेरे को बालकनी अब क्लीन चाहिए क्योंकि बारिश हो रही है ना, तो बारिश के कारण बालकनी बहुत गंदी हो जा रही है, धूप बहुत बहुत कड़ी वाली है। तो बालकनी में फिर भी मैं जब धूप हो या कुछ भी हो 10 मिनट तो मैं बैठती हूँ, चाहे वो किचन तो मैं अभी तक घुसी भी नहीं हूँ, मैं जाऊँगी और फटाफट से करके चीज़ें मैं कंप्लीट कर दूँगी। अब प्लांट लगाने हैं, सो मैं देखती हूँ प्लांट पहले मुझे नीचे से लाना होगा। मैं प्लांटिंग कर रही हूँ, कुछ अच्छे काम करने के पहले नहाना चाहिए, तो मैंने सबसे पहले नहा लिया। तो अब मैं जा रही हूँ, मैं मंगवाई हूँ यहाँ पे, ये मैंने मंगवाया है करी लिप्स। सो मैं आज लगाने वाली हूँ करी लिप्स। करी लिप्स इसलिए क्योंकि मैं इसको लगाऊंगी, इसको तो मैं इसे मैं कड़ी पत्ता हम लोग बहुत खाते हैं, तो ऐसे प्लांट्स लगाइए जो आपको फल दें। तो मैं तो घर में रहती हूँ तो मैं आम लीची वगैरह तो लगा नहीं सकती, तो मैं करी लिप्स, एलोवेरा, तुलसी पत्ता ये सब लगाना मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। तो इसलिए मैं लगा रही हूँ करी लिप्स क्योंकि मुझे बहुत मतलब एंटीऑक्सीडेंट भी है और ये मुझे बहुत सारा पत्ते देगा खाने के लिए। तो चलिए फिर लगाते हैं। Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect we play through. Only 'cause you set up the angle. Web that you weave got us tangled. Caught in what's before our eyes. Show off your fantasy reality. Whoa, that's yours, but I'll keep doing mine. मैंने लगा लिया करी लीव्स आज एनवायरमेंटल डे के दिन, तो मैंने इसलिए लगाया क्योंकि ये मुझे फल देगा, पत्ते हैं, मैं इसको करी लीव्स में बहुत पोहे बनाती हूँ तो मैं इसमें डाल सकती हूँ। तो आप भी ऐसी चीज़ें लगाओ जो आपको फल दे, आपकी फैमिली को भी फल दे। और हाँ, घर में मैंने बहुत सारे लगाए हैं ऐसे शोपीस वगैरह वाले, तो कोई नहीं, मुझे आज यही अवेलेबल हुआ तो मैंने यही लगाया है। और आगे भी मैं बहुत सारे मेरे गमले खाली हैं तो मैं उसमें भी लगाऊंगी, लेकिन हाँ उसके लिए मुझे नर्सरी जाना पड़ेगा, तो अभी लॉकडाउन में मैं कहीं जा नहीं सकती थी, तो मुझे इजी अवेलेबल ये करी लिप्स मिला तो मैंने वो लगाया। तो आप भी कुछ ना कुछ जरूर लगाइएगा। और चलिए अब मैं बनाती हूँ ब्रेकफास्ट, मैं बनाने वाली हूँ पोहे, तो उसके लिए मैं ना सबसे पहले करी लिप्स तोड़ लेती हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे है। ये पहले से लगाया हुआ है मेरा करी लिप्स मतलब कड़ी पत्ता, तो मैं इसको कड़ी पत्ता मैंने तोड़ा, अब मैं जाऊंगी इसको डाल के मैं पोहे बनाऊंगी। और ये मैं बताऊं क्या बताऊं, मैं मजा ही अलग है अपने घर से करी लिप्स तोड़ के और आप पोहे वगैरह, इसका फ्रेग्रेंस हमें बहुत अच्छा लगता है। नीचे हमारे और भी है जो बड़े बड़े पत्ते होते हैं, और मैंने पता है बोबो का बिल्कुल भी वेट नहीं किया, वो उठेगा फिर मैं लगाऊंगी तो वो उठेगा, तो मैं एक और प्लांटिंग करने वाली हूँ तो मैं वो भी आप लोगों से शेयर करूंगी। लेकिन सबसे पहले मुझे ब्रेकफास्ट बनाने में लेट हो जाता क्योंकि बहुत सारा काम है, तो चलिए बच्चों का वेट ना करते हुए अपना काम करना ज्यादा अच्छा लगा मुझे। तो चलिए फिर अब मैं बनाती हूँ पोहे। तो मैं आ गई किचन में और मैं बना रही हूँ यहाँ पे पोहे। तो पोहे के लिए मैंने सबसे पहले ये बादाम है ना,
यस, ये मूंगफली बताओ, मैं बादाम बोलती हूँ, तो मैंने वो भून लिया है। और यहाँ पे प्याज, कड़ी पत्ता और मिर्ची नहीं डाला है, मैं मिर्ची डालूंगी, जाने वाला है, और कुछ नहीं। ये बनाऊंगी, उसके बाद गोबो को उठाऊंगी, उसको रेडी करूंगी, लेकिन उसके पहले मुझे कहीं जाना है तो मैं उसकी तैयारी करूंगी। तो हरी मिर्च दे देना, तो बस हो गया। मेरे घर में मेरा सब बहुत मजाक उड़ाता है ये बस को लेकर के, और मुझे हैबिट है तो ये रहे चूड़ा तो पोहा, और बेटा को उठाइए ना हो पाएगा। अभी भी बाहर में मेरा सब मजाक उड़ा रहा है। मेरे घर में एक ही काम है, सुबह से उठ के मेरा मजाक उड़ाना, सब बस मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं कितना काम करती हूँ ये किसी को नहीं दिखता। अगर मैंने एक गलत बोला तो भाई तो आप तो गए, आप तो गए। नमक, तो पोहे बना के, और सत्तू, एक्चुअली आजकल हम लोग दो चार दिन से सत्तू पी रहे हैं, तो सत्तू आज मैं नहीं बना पाऊंगी क्योंकि मुझे लेट हो गया है। कौन सा पेड़? मुझे जाना है बाहर, तो मैं उसके लिए क्या करती हूँ, सबसे पहले मैं बॉटल में पानी भर लेती हूँ। ये बॉटल वगैरह सब धुल के रखा हुआ था तो मैं पानी भर लेती हूँ। तो रेडी, तो मैं पोहे निकाल लेती हूँ खाने के लिए। मेरे को प्लेट नहीं मिलेगा ऊपर वाला, तो अभी सिर्फ मैं खाऊंगी और मेरी बहन खाएगी तो खाएगी, क्योंकि अभी सबको खाने में लेट है। खाओगे? नहीं, तो जो लोग नहीं खाएंगे उनके पोहे मैं ढक के रख दूंगी। और बस दूध वगैरह हो गया है, अब मैं आऊंगी तो मैं लंच प्रिपेयर करूंगी। इसको थोड़ा सा, इसको पकड़ो, मेरा प्लेट पकड़ो। वेरी गुड, थैंक यू। मैं 10 मिनट के लिए रखूंगी अपना बॉटल फ्रीजर। बाहर जाओ ना, थोड़ा ठंडा पानी है जरूरी लगता है। खाओगी तुम पोहा? ठीक है, चलिए फिर मैं खुद खा लेती हूँ ये पोहे मेरे। मैंने प्याज वगैरह कुछ भी नहीं डाला, मैं बहुत हड़बड़ में हूँ। तो टाइम हो गया है, 5 मिनट है मेरे पास, और मुंह में पानी आ रहा है, मुझे पोहे खाने के लिए भूख लगी है बहुत तेज से। तो मैं फटाफट से मैं कंप्लीट करती हूँ अपने पोहे, और मैं अभिषेक को ड्यूटी देके जाती हूँ बोबो को उठाने की, नहीं तो हो जाएगा वो लेट। और मैं उसके साथ बेक प्लांटिंग करूँगी अगर वो जल्दी उठ जाता है तो। पकड़िए, और मैं, थैंक यू। आप समझ लो मेरे आसपास कितने लोग रहते हैं लेकिन कैमरे में कोई नहीं आता। मैं अगर ऐसे हाथ डालूं तो इधर दिखेंगे लोग, इधर हाथ डालूं तो इधर लोग दिखेंगे, लेकिन कोई डर, डर से मतलब क्या बोल रहे बोलते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलती हूँ मैं, बाय। यहाँ पे बन रहा है सत्तू, तो 3 ग्लास बनेगा सत्तू। मैं बाहर से आ गई, बहुत गर्मी है इसलिए हमने डिसाइड किया कि चलो सत्तू पीते हैं। सत्तू आजकल हम लोग पी रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। सत्तू मतलब चने का जो सत्तू होता है ना, भुना भुना सा मिलता है वो वाला, और झारखंड में बहुत ईजिली अवेलेबल हो जाता है, तो हम लोग बहुत पीना पसंद करते हैं। वैसे पहले मैं ज़्यादा नहीं पीती थी लेकिन इस साल मैं पी रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है बस ये। और साथ ही साथ इसमें डालेंगे हरी मिर्च, प्याज एक, और ये धनिया पत्ता शॉर्ट वाइट वाला, और इसमें ये 2 लेमन जाएगा, लेम्बू, लेम्बू, मेरे पति पीछे से बोला लेम्बू, हाँ लेम्बू, वो अच्छे से लैंग्वेज बताता है। नींबू डालेंगे हम लोग 2, अगर ये बड़ा बड़ा है इसलिए 2 डालेंगे, और छोटा रहता है तो 3 डालते। मैं बिल्कुल भी कमी नहीं करती हूँ नींबू डालने में। और उसके बाद से भुना हुआ जीरा है तो डाल दीजिए, वैसे मेरे पास नहीं है तो मैं नहीं डालूंगी। और हम लोग जब बाहर से गर्मी से आते हैं ना तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे बन रहा था अभिषेक का कद्दू जूस, जो मैं नहीं पीती हूँ, और ये कद्दू मैं नहीं पीती हूँ मतलब अभिषेक के लिए बना रहे थे तो उसको पीना था, लेकिन मेरा मिक्सी ड्रिप कर गया तो ये कैंसिल हो गया। अभी 15 मिनट रुकना पड़ेगा, मेरा मिक्सी अब खराब हो रहा है धीरे धीरे, अब आवाज कर रहा है मतलब बन नहीं रहा है, मतलब बहुत टाइम लग रहा है। तो ये बनेगा लेकिन पहले सत्तू जूस पिएगा, उसके बाद मैं इसको ये दूंगी। तो ये देखिए मेरा सत्तू बन गया है, ये मैं आइस है, मैं आइस डाल दूंगी सारा। क्या है ना, बाहर से आया है ना तो बहुत इच्छा हो रही है ठंडा ठंडा पीने की, और गर्मी बहुत है बाहर में, बहुत ह्यूमिड है। और ये देखिए मैंने दोनों लेमन को स्क्वीज करके इसमें डाल दिया है, और बोबो को पीना नहीं है, बोबो को सत्तू जूस पसंद नहीं है, तीखा होता है, बच्चे पीते नहीं है, तो इसलिए मैं आइस डाल दी हूँ उसमें।
और बोबो नहा रहा है, नहाने के बाद मैं आपको मिलवाती हूँ और उससे मुझे प्लांटिंग भी करवानी है। तो ये बन गया मेरा सत्तू जूस, तो फिर चलिए मैं पी के मिलती हूँ आप लोग। बोबो का कुछ दिखा नहीं ना, तो मैंने दिखाया ही नहीं। आज हम समझ गए बेटा, आज हम तुम प्लांट लगाना नहीं चाहते, हम सब समझ गए। हाँ नहीं आ रहा है, आप हम तो कर चुके सुबह, तुम सोए थे, हम सब कर चुके, हम तुम्हारे रुके नहीं बेटा। आपको पता ना तुम उठोगे कब, नाटक कब करोगे, मेरा सारा शेड्यूल लेट हो जाएगा, हम इसलिए अपना सारा काम करके हम अपना कर लेंगे। आइए जी, इधर उधर उधर फेस कुछ लाया था ना, आप भी तो नहीं आए। गुलाब जामुन नहीं है, गुलाब जल है, गुलाब जामुन लगाएंगे। बोबो का फेवरेट है गुलाब जल, बोबो लगाता है, लगा इसको हम ठीक करते हैं। ओके रेडी, बोबो रेडी हो गया, बोबो को मैं मैंगो शेक देती हूँ पीने के लिए, उसके बाद इससे प्लांटिंग करवाती हूँ। करेंगे ना बेटा, आज क्या है, आज क्या है बताओ। टोटला है ठीक है। चलो मैं आ गई किचन में, किचन खाने के बाद मैं सबसे पहले चढ़ा रही हूँ यहाँ पे दाल हमारे लिए सबके लिए, और मैं बनाने वाली हूँ, पता है एक सब्जी में बहुत बहुत कम वॉल्यूम, टीवी का बहुत ज़्यादा है, मैं बोबो ना जो ना करे। ये मैं बना रही हूँ बोड़ो, बोड़ो बोलते हैं हम लोग, तो ये बहुत फ्रेश है, ये वाइट वाला बोड़ो नहीं है, ये ग्रीन वाला बोड़ो है। तो ये मैं बोड़ो और दो आलू डाल के मैं सब्जी बना रही हूँ, तो मेरे घर में किसी को पसंद नहीं है, तो मैंने बोला ना आज बनाते हैं, ट्राई करते हैं, तुम लोगों को क्या पता अच्छा लगे। और मैं बनाऊंगी राइस, निकालना पड़ेगा तो फ्रीज में आटा मेरे पास गुथा हुआ है, तो मुझे आज बहुत लेट हो गया, अभी 1:30 हो चुके हैं और बहुत लेट हो गया है, तो मैं सोच रही हूँ कि रोटी दाल और सब्जी एक बना ही देती हूँ बस, इससे ज़्यादा मैं नहीं बनाऊँगी, क्योंकि ये वीडियो मुझे आज ही पब्लिश करना है, आज का आज ये वीडियो जाएगा इसलिए। तो हाँ मेरे पास आटा भी है, देखो आ भी गया आटा है, तो बहुत बन जाएगा, तो रात में मैंने गुथा था, तो ये रोटी सब्जी और बोड़ो, बोड़ो बोड़ो जिसको बोलते हैं, ये बोड़ो है, हाँ बोड़ो आप लोग सब जानते ही होंगे, बस यही बनेगा और कुछ नहीं बनने वाला। और अभिषेक का यहाँ कद्दू जूस बन गया, कोई पीने वाला है, जो 1:30 बज गए मेरे से पिया नहीं जाएगा, तो मैं सबसे पहले मैं उसको दे देती हूँ। तो मैं कट कर लेती हूँ यहाँ पे अपनी सब्जियां सबसे पहले, अच्छा लगता है समटाइम्स थोड़ा डिफरेंट बनाओ। चलो बेटा, और बोबो को प्लांटिंग करवानी है, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा, पता है बच्चों से कुछ करवाना होना मुझे बहुत बड़ा टास्क लगता है, सो मैं ये करूंगी तब तो फ्री होंगी, तो मैं उसको प्लांटिंग करवाऊंगी, मैं एक तरफ सब्जी छौंकूंगी फिर जाके मैं उसको प्लांटिंग करवाऊंगी, थोड़ा सा सब्जी बनाएंगे, ज्यादा नहीं बनाने वाले। ये सुबह से ना जब आप कुछ एक्स्ट्रा कुछ भी करते हो ना, जब आप का रेगुलर शेड्यूल, खास करके जब इतना हैक्टिक होता है, आज मुझे ऑफिस भी जाना था लेकिन इन सब कारण से मैं ऑफिस नहीं गई, मैं कल जाऊंगी, मतलब कल संडे है, मैं कल जाऊंगी, जरूर जाऊंगी, क्योंकि मुझे कुछ बुक्स निकालनी है लाइब्रेरी से, सो मैं वो जाने वाली हूँ कल, मैं कल जाऊंगी, तो मैं आप लोगों को भी लेके चलूंगी अपने साथ, जो मैंने बहुत सारी चीज़ें मैंने अब तक आप लोगों के साथ शेयर नहीं की है, मैं बहुत सारी चीज़ें शेयर करने में कंफर्टेबल नहीं थी, लेकिन मैं अब सोच रही हूँ कि मैं क्यों ना करूँ, क्योंकि वो सब भी मेरी लाइफ का एक पार्ट है, तो किचन तक ही जिंदगी नहीं है मेरी, इसके अलावा भी बहुत सारी जिंदगी होती है, किचन तो मैं 1-1.5 घंटे में समेट के मैं ख़त्म कर देती हूँ। सो आई जस्ट लव टू कुक, इसलिए मुझे बहुत पैशन है, एक्चुअली मुझे कुकिंग से ही नहीं, मैं जो करती हूँ मुझे हर चीज़ से प्यार है, अगर मुझे कोई चीज़ पसंद नहीं है ना तो मैं वो कर नहीं सकती। और मेरा आज वाटर फिल्टर पूरा ख़राब हो गया है बुरी तरह से, क्योंकि वो पानी मेरा कल रात में ही, और हमें लेट हो गया उनको इन्फॉर्म करने में, तो वो कल सुबह आएगा, तो उसके लिए मुझे पानी गर्म करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा मैं देखती हूँ, अभी 2 बोतल तो पानी है मेरे पास, और आप देख सकते हो मैं कितनी पसीने पसीने हो गई हूँ। सो मेरा ये सब्जी ऑलमोस्ट हो गया, मसाले मेरे पास पीसे हुए हैं और प्याज वगैरह मैं कट करके फटाफट बना ही दूंगी।
तो चलिए फिर मैं सब्जी वगैरह छोड़ देती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। पतिदेव जी आई थी, बीवी ने इतना इतना जूस बना के दिया, पीजिए। ये ना एक एक डिमांड लाता है मेरा ना, और ना मेरा शेड्यूल और ये टाइट करता है। तो बनने के बाद फिर नहीं, मुझे पीना है करके तो बना दिया मैंने, पी लो। हम तो नहीं पी पाएंगे भाई, मेरा तो खाने का टाइम हो गया है। अभिषेक को जो चीज ना बोल दो ना, वो तुरंत पीना रहता है। बस ना बोलो, सब तो पहले हम नहीं बना रहे, सब तो पीना था। अब सब तो बनाने लगे हैं, तो अब सब तो नहीं पीना है। मेरे साथ कीजिए, एक कीजिए वेट तुम गिरा दी नीचे। मेहनत हम करते हैं, थक के आते हैं, इसलिए कुछ बोल नहीं पाते हैं। हालों में छूट गया, मेरे पास किचन में तो बस रहने भर की देरी। आज कहाँ के लिए पार्सल हो रहे हैं? आज कहीं के लिए नहीं पार्सल हो रहा है। हम लोग कुछ खा लें, बोड़ो का सब्जी, मतलब हम लोग घर के लिए बोड़ो और बाहर के लिए भाई पार्सल। अच्छा अच्छा डिश, वाह। आज बढ़िया बढ़िया खिलाए नहीं होते, कद्दू के जूस की जरूरत नहीं होती। बोबो मना कर दिया, बोला कि मैंगो शेक नहीं पीना है मामा, मैंगो कट करके दो। वैसे इसके पहले भी उसने बहुत बार बताया है कि उसको मैंगोस कट करके ज्यादा अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैं मैंगोस को कट करके दे रही हूँ। क्योंकि अभी खाना बनने में भी 30-40 मिनट्स तो लग ही जाएंगे। तो बच्चों को मैं एक बार दोपहर में बोबो को मैं फ्रूट जरूर देती हूँ, तो उसके नहाने होने के बाद। हाँ, वो खा चुका है लस्सी वगैरह जो था उसका, वो पी चुका है, तो मैं ये देती हूँ उसको खाने के लिए। अच्छे से डालो, अच्छे से दोनों हाथ से पकड़ो ना, ऐसे इसको अच्छे से ज्यादा ये मिट्टी है बेटा, इसको टच भी कर सकते हो। ओके, हो गया। हाँ मिट्टी ठीक है ना, नहीं हो गया, हो गया। रुको प्लांट डालेंगे, प्लांट रुको कोई बात नहीं, ये ऐसे जाएगा। हाँ एक और था। एक्चुअली ये सारे जो प्लांट है ना, मैं प्रोपोगेट कर रही हूँ, मैं नर्सरी से लेके नहीं आई हूँ, तो मैं प्रोपोगेट कर रही हूँ सारे प्लांट्स को। सो इसलिए ये ऐसे हैं, फूल वाले हैं कुछ। सो हम लोग काफी प्लांट्स प्रोपोगेट करते भी हैं। अब ठीक है, अब ऊपर से डाल, अब पूरा डाल ऊपर। नहीं, ये अच्छा है, ये अच्छा है। बोले तो मम्मा का बात नहीं सुनता। साइड से, वेरी गुड। डालो, पकड़ो ना, कोई बात नहीं, दो हैंड वॉश कर लेना। इसमें मम्मा सुबह लगा चुकी है। अच्छे से चारों साइड से डालो। वेरी गुड। ये सदाबहार का पेड़ है, तो ये इसके पत्ते हैं ना, इसमें मरकरी होती है, तो जिनको कुछ कैंसर या ट्यूमर है उसके पत्ते वो चबा के खा सकते हैं, जिनको कोई डिजीज है उसको खा सकते हैं। तो ये दोनों पत्ते मैंने आयुर्वेद रिलेटेड, ये कड़ी पत्ता और ये सदाबहार, मैंने दोनों उसी के रिलेटेड लगाया है। सो क्योंकि ये साथ ही साथ आपको फल भी देंगे और आपको हेल्थ इश्यूज भी जो कुछ होंगे ना, तो उसके भी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व करते हैं। तो आप सदाबहार का गूगल में भी आप सर्च कर सकते हैं, आपको सारा चीज़ आपको नेट पे मिल जाएगा कि सदाबहार के प्लांट में क्या क्या है। बहुत ही बेनिफिट होते हैं इनके पत्तों में, तो पत्तों को पीस करके तो देना भी चाहिए, खाना भी चाहिए, चम्मच से आप एक चम्मच खा सकते हैं। सो बस ये दोनों प्लांट मैंने इसके रिलेटेड लगाए, हाँ, कि जिनको मेरी हेल्प, जिसकी ज़रूरत हो सके मुझे घर में, तो मैंने वो प्लांट्स लगाए हैं। सो आई एम सो ग्रेटफुल कि मैं आज के दिन ये एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट कर रही हूँ। मैं आप लोगों को भी बोलूँगी एक मैसेज के तौर पे कि आप अपने घर में प्लांट्स लगाइए, आपको बहुत बहुत लाइवली फील होगा।
तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।